Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. I am here with a new video. तो ये मेरी सेकंड रिएक्शन वीडियो होने जा रही है. पहली मैंने वीडियो बनाई थी बीबी के वाइंस के नए जो सीरीज आने लगी है ताज़ा खबर, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी. और आज मेरी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है मूवी ट्रेलर के ऊपर, जो कि नई मूवी आने लगी है 20 सितंबर को. तो उसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा हूँ. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं. मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ. अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया, लेकिन कभी अच्छा ये वो नहीं पाया. गली बॉय वाला लड़का है, काफी गर्मी है तुम लोग में. शेर आया यस ओ माय गॉड ओ पे भाई. आपको लगा कि मैं अभिमन्यु इसी रियल लिखी थी यार, बाप हूँ और जो लू इसके ना वो किल वाली किलिंग आ रही है देखे ना. वैसे आई थिंक सोचा जा सकता है. क्या क्या सोचा जा सकता है? तू और मैं तू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता. खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए, हमारे लिए. ओ भाई थोड़ा सा ये रहा. बिल्कुल अपने बाप पर गए हो गिरीश, बिल्कुल तुम्हारी तरह था. पंगे लेने का शौक था उसे, शायद इसीलिए उसकी जान गई. जज को बोलेंगे प्लीज कि मुझमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी सजा कम ही कर दे. बाबू मेरे को बोलने के कसाई का काम अल्ले पे बैठने का नहीं होता है, काटने का होता है. फिरोज देश का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है. जो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते हो. कोई मिशन है अभी, मिशन को पूरा करना है. चाइना हो गया, फिरोज उनसे 5000 किलो कोकेन खरीद रहा है. माल शफीक नहीं, हम उतरवाएंगे. एक बार मौका दीजिए मैं लेके आता हूँ उसे. राघव यार, राघव भी इस मूवी में. पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है, पर मौत को ये मंजूर नहीं. दोस्त है ना अपनी, एक बार पहले भी आई थी मेरी जान बचाने. कौन है बे? अंडर वाटर थी. जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं. ये है कमाता डायलॉग. नाइस यार, ये ट्रेलर हमने देख लिया. ट्रेलर तो बहुत ही मस्त बना है, बहुत ही कमाल का बना. ये वो गली बॉय जो मूवी आई थी रणवीर सिंह की, उसमें ये रैपर था शेर आया. तो ये अच्छा एक्टर था, मुझे लगा था यार इसको मिलना चाहिए, मूवी मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर. लुक वाइज भी अच्छा और एक्टिंग भी इसकी अच्छी है. और उसके बाद अब राघव जयाल यार, मतलब कि वो भी एक देखो डांसर स्टार्ट हुआ था, फिर कॉमेडियन बना, फिर मूवीज भी आना शुरू हो गया है. तो यार वो भी बहुत अच्छा एक्टर है, उसका भी देखने में मजा आएगा. और ओवरऑल देखा जाए यार तो बहुत ही अच्छी लग रही है मूवी. इस तरह किल मूवी आई थी यार, ट्रेन के अंदर था, प्रॉपर अच्छी तरह पूरी तरह मारा जा रहा था, जिसमें राघव का डायलॉग भी था, ऐसे कौन मारता है रे. तो उस तरह की जो फीलिंग आ रही है इस मूवी में भी यार, कि मार डाल अच्छी होने, खून खराबा अच्छा होने वाला है. तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए. मुझे ट्रेलर देख के लग रहा है यार कि ये मूवी देखने लायक होगी. तो 20 तारीख को आ रही है मूवी, तो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी. 2 दिन मुझे वेट करके नेट पे आएगी तब भी देखूंगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए. आपको ये मूवी कैसी लगी है ट्रेलर देख के आप कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ट्रेलर के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़.